माँ मोक्षदा जय चित्रकूट धाम। मित्रों, कल के वाइस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि चित्रकूट में पांच प्रमुख पर्व हैं, लेकिन इन सबसे बड़ा पर्व अगर चित्रकूट का कोई है तो वो है दीपावली की अमावस्या। अब सवाल उठता है कि दीपावली की अमावस्या में ऐसा क्या है कि चित्रकूट में उसे विशेष महत्व दिया जाता है। तो आप जान लें, दीपावली पर्व वह पर्व है जब माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के पश्चात हुआ था। चित्रकूट व्रत महात्म में उल्लेख है, अमावस्यायाम पौर्णमास्याम सर्वे देवा महिर्षयः तीर्थवंदानि सर्वाणि सपर्वत वनानि च स्नानात्वा मंदाग्नि तोये यात्रां कुर्वन्ति संघसः दर्शे यात्रां प्राकुवर्ति ते नरा भक्ति तत्परा। वैसे तो चित्रकूट में सभी हिंदू पर्व सोल्लास मनाए जाते ही हैं, लेकिन श्री राम जन्म, श्री राम विवाह, झूलन महोत्सव और जल विहार, इन प्रमुख पर्वों के अलावा प्रतिमास की अमावस्या, उसमें भी भाद्रपदी दीपावली की तो सोमवती विशेष महत्व रखती है। साथ ही ग्रहण पर्व भी यहाँ पर विशेष स्थान रखता है। कहते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण पुष्कर का और चंद्र ग्रहण काशी का, लेकिन चित्रकूट एक ऐसा स्थान है यहाँ सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों का मनाने का बहुत महत्व है। सर्वतीर्थम फलम तोषम भवत्येति न संशयः। अमावस्या पूर्णमासी के दिन संपूर्ण देवता और ऋषि मुनियों, संपूर्ण तीर्थ पर्वत वन मंदाकिनी के जल में स्नान करके समुदाय के समुदाय यहाँ यात्रा करते हैं। जो मनुष्य अमावस्या के दिन भक्ति भावना से यात्रा करते हैं वे समस्त तीर्थों के फल को चित्रकूट में प्राप्त कर लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के किसी को संशय नहीं होना चाहिए। मित्रों, चित्रकूट के इन रहस्यों के लिए मैंने आपको सिर्फ यह बताने का प्रयास किया है कि चित्रकूट अगर आप आएँ, इस महान तीर्थ में अगर आप आएँ, तो सिर्फ आप यहाँ से प्रेम रूपी एक बीज अपने दिल में लेकर जाएं। मां मोक्षदा प्रभु श्री कामतानाथ सभी आपकी रक्षा करेंगे। ये देवता सिर्फ प्रेम के उपासक हैं। आगे मैं आपका संदीप विचारिया फिर आपसे मिलता हूँ अगले वाइस एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।